हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन इज माय फ्यूचर। तो बच्चों, आज हम क्लास वन मैथमेटिक्स से चैप्टर वन शेप्स एंड स्पेस और पेज नंबर 11 to 20 पार्ट टू करेंगे। पार्ट वन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पिछले वीडियो में, जिन लोग ने नहीं देखा वो देख लीजिएगा। और एक्सप्लेनेशन हिंदी में कंटिन्यू करेंगे और विथ कंप्लीट क्वेश्चन आंसर भी इसमें होगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सॉर्टिंग, ये सॉर्टिंग है, क्या है सॉर्टिंग में, क्वेश्चन क्या पूछता है। सॉर्ट शेप्स बाय जॉइनिंग विथ सिमिलर शेप्स। तो जो इसमें सिमिलर शेप हैं उनको मैच करनी है। तो कौन कौन सा शेप है, चलिए आपको चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है सर्कल, ये सर्कल शेप है, और ये कोन है, और ये सिलेंडर शेप है, और ये क्यूब है। तो चार शेप हैं। तो आपको सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्कल शेप, राइट। तो सर्कल शेप आपका होगा एक, ये आपका होगा सर्कल शेप, एंड सेकेंड बॉल होगा, एंड एक थर्ड आपका, एक मिनट, थर्ड आपका ये ग्रीन कलर का ये है वाटरमेलन, वाटरमेलन होगा, एंड ये आपका इतना हो गया, और एक टोमेटो होगा, टोमेटो आपके सर्कल होंगे। आप क्यूब से क्यूब का सिमिलर पेयर इसका बनाते हैं, पेयर ऑफ सिमिलर सेम्स का क्यूब वाला। तो क्यूब में आपका, चलिए स्टार्ट करते हैं, क्यूब में आपका कौन सा होगा, ये रहा आपका, कलर चेंज कर लेते हैं, क्यूब के लिए ब्लू ले लेते हैं। तो क्यूब का आपका होगा, ये है आपका क्यूब फर्स्ट, और ये सेकेंड आपका रहेगा ये, एंड थर्ड ईट होगा आपका, ये स्लाइड करते हैं, सब स्लाइड कर भी सकते हैं, एंड और कोई एनीवन अभी नहीं है, ये आपका ये कंप्लीट हो गया, इसमें थ्री ही थे। इसके बाद हम लोग कोन, कोन को स्टार्ट करते हैं। कोन में आपका फर्स्ट होगा ये बर्थडे कैप है जो, ये फर्स्ट आइसक्रीम, सेकेंड इसको एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, ओके। तो आपका ये फर्स्ट बर्थडे, और ये सेकेंड आपका आइसक्रीम कोन, एंड आपके दो ही हैं इसमें, और एक आपका ये एक लास्ट है, ये रहा तीन है, और लास्ट बटा बचा सिलेंडर शेप। सिलेंडर शेप में आपका आएगा ये बांसुरी आएगा आपका, तो इसके लिए कलर चेंज कर लेते हैं, इसके लिए येलो लेते हैं। तो इसके लिए बांसुरी से होगा मैच, और इसमें इसके बाद आपका नेक्स्ट कौन सा रहा, ये ओहो ये है रोलिंग होगा, और एक और आपका होगा ये बैटरी है, चार्जेबल बैटरी, और लास्ट है आपका ये। अभी तो सारे आपके कंप्लीट हो गए, अब तो कोई भी नहीं बचा, और एक वाटर बॉटल लास्ट में, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेक पेयर्स ऑफ सिमिलर शेप, इसमें भी सिमिलर शेप को मैच करना है। तो इसमें देखिए कोन, ये दो कोन सेम है, एंड ये दोनों कोन सेम हो गए, और ये कोन, इसके बाद आपका बचता है सिलेंडर। तो सिलेंडर में आपका कौन कौन सा होगा, तो इसमें आपका सिलेंडर में आएगा ये, और
सिलेंडर में ये बैटरी एंड ये मोमबत्ती तीन होंगे। कोन में एक आपका ये कोन है, ये कोन आएगा इसमें, ये दो तीन हो गए। और इसके बाद ये तो सब कंप्लीट हो गए। और एक एक और ये रहेगा, ये सेम टू सेम है और ये भी आपका सेम है। और ये वाटरमेलन ये बैलून सेम है। एंड ये वाटर बॉटल और ये भी पेयर इसका भी सही है। और ईट एंड के क्यूब ये सेम है। ये भी सारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोलिंग एंड स्लाइडिंग तो इसमें एक देखना है बाल जो रोलिंग करता है और ये क्यूब है, ये स्लाइडिंग करते हुए नीचे आ रहा है। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया है इसमें, स्टार्ट करते हैं। टिक द ऑब्जेक्ट दैट विल रोल, तो इसमें जो रोल करता है उसको टिक करना है। तो आपका ये पेंसिल है रोल करेगा और बाल एंड ये ओनियन ये तीनों रोल करेंगे और ये बटर एंड ये तो स्लाइड करेगा। और ये एक क्वेश्चन ये है, इसमें टिक द ऑब्जेक्ट दैट विल स्लाइड, जो स्लाइड कर सकता उसको टिक करना है। तो स्लाइड आपका ये बॉक्स ही करने वाला है। ये कंप्लीट हो गया आपका। और नेक्स्ट है ये आ गया वाइज ग्रैंड मदर, तो इसको चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, वंस देयर वाज लैम्ब गोइंग टू सी हिज ग्रैंड मदर। एक लैम्ब मिस मेमना, वो भेड़िया का बच्चा होता है उसको लैम्ब बोलते हैं। वंस देयर वाज लैम्ब गोइंग टू सी हिज ग्रैंड मदर, एक बार मेमना था वह मेमना अपने दादी माँ से मिलने जा रहा था, ठीक है। और सी ऑन द वे थ्रू द जंगल ही मीट अ वुल्फ, और वह जंगल में वो जंगल के रास्ते से जा रहा था तो उसे वहाँ पे भेड़िया मिला, वुल्फ मीन्स भेड़िया। तो वह जब ऑन द वे रास्ते पे जा रहा था जंगल के रास्ते, तो वहाँ उसे मीटे उल्फ भेड़िया मिला। आई एम गोइंग टू ईट यू, तो भेड़िया बोला मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ, वो बोला मैं आपको खाने जा रहा हूँ, भेड़िया बोला उस भेड़ के बच्चे को। अब ये नेक्स्ट क्या है यहाँ देखते हैं, प्लीज लेट मी गो, आई एम गोइंग टू मीट माई ग्रैंड मदर, यू कैन ईट मी वेन आई रिटर्न। तो बोला प्लीज कृपया मी लेट मी गो, मुझे जाने दो, आई एम गोइंग टू मीट माई ग्रैंड मदर, जब मैं अपनी दादी माँ से मिल के आऊँगा, जब मैं अपने दादी माँ से मिलने जा रहा हूँ। बोला आई एम गोइंग टू मीट माई ग्रैंड मदर, मैं अपने दादी माँ से मिलने जा रहा हूँ, यू कैन ईट मी वेन आई रिटर्न, जब मैं वापस हूँगा तो आप मुझे खा लेना। तो बोला जब मैं वापस हूँगा तो आप मुझे खा लेना। तो भेड़िया बोला ओके ठीक है, यू मे गो, अच्छा तुम जा सकते हो। फिर बोला व्हेन ही सा अबाउट टू रिटर्न ही टोल्ड द ग्रैंड मदर अबाउट द उल्फ, तो जब वो लौटने लगा वो भेड़ जो है क्या लौट रहा था तो वो अपने दादी माँ को भेड़िए के बारे में बताया, ग्रैंड मदर अबाउट द उल्फ, वो भेड़िए के उल्फ के बारे में बताया। तो उसकी दादी माँ ने क्या बोला, द ग्रैंड मदर गेव हीज एन आइडिया, तो उसकी दादी माँ ने उसे उपाय सुझाया, एक आइडिया दिया। क्या आइडिया दिया, गो एंड हाइड योर सेल्फ इन ए ढोलक, तो बोला कि चलो अभी आपको एक ढोलक में छुपा लेते हैं, छुपा लो अपने को, ठीक है। वो बोला कि अपने को आप ढोलक में छुपा लो, ही डिड सो, तुम्हें ऐसा ही, तो उसने ऐसा ही किया, उसका वो जो भेड़ था वो ऐसा ही किया, वो ढोलक में छुप गया। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द ग्रैंड मदर रोल्ड द ढोलक ऑन द रोड, तो जो दादी माँ थी उसकी, ये उसकी दादी माँ जो थी
तो वो ढोलक को रोल करते दादी माँ उसे ढोलक पर सड़क पर लुढ़का दिया और वह जो ढोलक था वो रोलिंग करते हुए रोड पे जा रहा था। इसके बाद क्या होता है, द लैम्ब सा द वुल्फ वेटिंग फॉर हिम, और मेमने ने भेड़ियों को अपना इंतजार करते हुए पाया, वेट कर रहा था वो जो ये मेमने ने भेड़िए को अपना इंतजार करते हुए देखा, वो जो लैम था वो देखा तो उल्फ जो वेट कर रहा था। डिड यू सी लैम कमिंग दिस वे, तो वो बोला क्या तुमने किसी मेमने को इस तरफ आते हुए देखा है, ढोलक से पूछा वो भेड़िया, तो बोला नो। तो नेक्स्ट है, द उल्फ ग्रीव सस्पिशियस एंड स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड द ढोलक, तो पहले तो सबसे पहले तो भेड़िया उसे पकड़ पाता, इससे पहले कि भेड़िया वो पकड़ पाता एंड स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड द ढोलक, और मेमना अपने वो जो है वो बोलता है कि भेड़िया को शक हो गया, द उल्फ ग्रे सस्पिशियस, वो भेड़िया को शक हो गया एंड और ढोलक ये जो स्टार्टेड रनिंग इन बिहाइंड द ढोलक, और ढोलक के पीछे दौड़ने लगा वो भेड़िया जो है, वो ढोलक के पीछे दौड़ने लगा, उसे शक हो गया कि इसी में होगा शायद। बिफोर द वुल्फ कूड कैच हिम द लैम्ब रीच्ड होम एट वाज थैंकफुल टू हिज ग्रैंड मदर, तो इससे पहले वो क्या करता है कि पहले भेड़िया को उसे पकड़ पाता, मेमना अपने घर पहुँच गया और उसने दादी माँ को धन्यवाद दे दिया, जब तक वो पकड़ने का सोच रहा था तब तक वह अपने घर पहुँच गया। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब ये रहा सेप, तो सेप से आपको मैच करना है, तो मैच द सेप आप सेम साइज को मैच करना है, तो इसके लिए आपको ये देखिए आपके ये रहे, एक तो आपका कंप्लीट हो चुका है, डन है, और नेक्स्ट स्टार्ट करना है तो सबसे सेव द सेम साइज को आपको इसमें मैच करना है, तो सबसे स्मॉल साइज से कर लेते हैं, सबसे बिगेस्ट जो सेम साइज है तो ये दोनों बिगेस्ट हैं राइट, और ये दोनों सेम है, ये सेम साइज है एंड ये दोनों सेम साइज है। ये आपका कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैच द सेम शेप्स, यहाँ पे भी सेम शेप करना है ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसको चलिए स्टार्ट करते हैं, सर्कल से मैच करेंगे, ये सर्कल टू सर्कल हो गया एंड सेमी सर्कल एंड ट्रायंगल टू ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल टू रेक्टेंगल तो कंप्लीट है, और कौन सा शेप बचा, एक शेप बचा है तो इसको आप इसे मैच कर देंगे ओके। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलर द स्मॉलेस्ट शेप, सबसे छोटा शेप है उसको कलर करने हैं, फर्स्ट तो कंप्लीट है, सेकंड को स्टार्ट करते हैं, उसमें क्या दिया है, तो सबसे स्मॉलेस्ट तो इस तीनों सर्कल में ये सबसे छोटा सर्कल है राइट, और सबसे छोटा ट्रायंगल ये है, ये भी कंप्लीट हो गया एंड सबसे छोटा ये शेप है राइट, ये भी कंप्लीट हो गया आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वाइन द सिमिलर शेप, सिमिलर शेप में आपको इसमें भी मैच करना है, तो इसमें जो सेम आपको दिखते हो तो देखिए यहाँ पर जो देखिए इसका जो सिर है इसका जो सिर है ये सिलेंडर जैसा शेप है और इसका भी सिलेंडर जैसा शेप है, तो इसे मैच करेगा ठीक है, इसमें सिमिलर शेप में ये आता है एंड नेक्स्ट है, इन दोनों का ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल से ट्रायंगल मैच करता है इसलिए ट्रायंगल से ट्रायंगल मैच होगा, ये दोनों सिमिलर शेप होंगे एंड नेक्स्ट है ये देखिए इसके सर पे ट्रायंगल है एंड इसके सर पे भी, ये सब सेम टू सेम मैच कर रहे हैं तो इससे हो जाएगा, और ये लास्ट कौन सा बचा हुआ है आपका, तो सब कंप्लीट ही हो गया ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलर ग्रीन रेड एंड ब्लू, इसको कलर करने हैं आपको,
तो इसमें ट्रायंगल है वो ग्रीन कलर का है, रेड रेड है जो सर्कल है वो रेड कलर का, एंड ब्लू कलर में रिक्टेंगल को कलर करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जितने भी ट्रायंगल है उसको सबको ग्रीन कलर करने हैं। तो ग्रीन कलर ले लेते हैं, जितने ट्रायंगल हैं देखिए ये सारे ट्रायंगल हैं तो इनको ग्रीन कलर कर देंगे। ये देखिए सारे ट्रायंगल को ग्रीन कलर कर देंगे। ये तो आप कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है क्योंकि आपको पता है ये तो इंटरेस्टिंग है, आप कर सकते हैं। और ये जो सर्कल है सारे रेड कलर करने हैं। ये देखिए ये सर्कल है, ये सर्कल रेड है, ये होगा आपका रेड एंड ये रेड होगा एंड ये सारे सर्कल ये सब भी रेड कलर होंगे। और इसमें ब्लू कलर में रेक्टेंगल होगा तो आपका ब्लू कलर रेक्टेंगल होगा, तो ये ब्लू कलर में आप रेक्टेंगल कर लीजिएगा। मैं मार्क कर दे रही हूँ, आप कर लीजिएगा ठीक है। और ये सब ये सारे ब्लू कलर होंगे इसके स्टैंडिंग लाइन, और ये ट्रायंगल हो ग्रीन कलर के होंगे। तो आई होप ये सब समझ में आ गया, आप लोग करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा लुक आएगा, इसमें टाइम वेस्ट होगा, बाकी ये तो ईजी है, आप कर सकते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम है, कलर ग्रीन कलर, पिंक कलर एंड येलो कलर। ग्रीन कलर आपको ट्रायंगल में करना है, पिंक कलर आपको सर्कल को करना है, और रेक्टेंगल को येलो कलर करना है। तो जितने भी सारे ग्रीन कलर हैं, ग्रीन कलर को ट्रायंगल को ग्रीन कलर में करना है। ये ट्रायंगल हुआ, ये ट्रायंगल ले, ये सारे ट्रायंगल ही हैं, ये भी सारे ट्रायंगल ही हैं, ये सब, और इसका मुख सबका सब ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, राइट। आपका ये हो गया, इसके बाद ये भी है, ये सब ग्रीन कलर में होंगे। और इसके बाद पिंक कलर है, पिंक कलर तो इसके बाद येलो कलर देखते हैं। येलो कलर में आपका सारे ये रिक्टेंगल होंगे, जैसे ये एंड आपका ये पूरा होगा ठीक है, येलो में आएगा। और जो ये सर्कल जितने भी हैं सारा पिंक कलर, ये तो आप कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक सिमिलर फिंगर यूजिंग द सेप किट गिवन एट द बैक ऑफ द बुक। इसको भी आपको इस अलग अलग शेप से आपको पिक्चर बनानी है तो यूज कर सकते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग है, इसमें कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, थैंक यू, फॉर एवरीवन, एजुकेशन इज माई फ्यूचर मेरा चैनल है, और अच्छा लगे तो लाइक करना, और मेरे चैनल पे है तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जैसे मैं अपलोड करूँगी आपको मिल जाएंगे।